हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिसनर से प्रिया। मैं प्रिया आज आपको बताने वाली हूँ एक बोहेमियन वॉल डेकोर आइटम का तरीका बनाने का। तो फ्रेंड्स, ये है एम्ब्रॉयडरी हूप जिसे मैंने प्राइमर लगा के गोल्डन पेंट कर लिया है, बिकॉज मुझे ये थीम पूरा गोल्डन रखना है। साथ में है ये मैक्रामे थ्रेड, मेजरिंग टेप, सीजर, पेंसिल एंड ये हूप। दो हूप चाहिए हमें इसमें और ये हूप की साइज़ है 10 इंच। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर वीडियो देखने के बाद ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं इस आइटम को बनाने का प्रोसीजर। सिंपल सा प्रोसीजर है, हूप के ऊपर वाले हिस्से को लीजिएगा हमेशा। हूप का फर्स्ट जो बाहर वाला पोर्शन, बड़ा वाला हूप होता है, वो ज़रूर लीजिएगा। अंदर वाले में आपको हुक करने के लिए उसमें एंगल नहीं मिलेगा, स्क्रू वाला एंगल आप देख सकते हो, ऊपर एल्यूमिनियम का एंगल दिख रहा है। ये 4 मैंने स्ट्रिंग ले लिए हैं। जो थ्रेड है वो 60 इंच में इक्वली डिवाइडेड है। ये 60 इंच को आपको इक्वली फोल्ड करके 30 इंच में कन्वर्ट कर देना है। मतलब आप जब एक थ्रेड की लंबाई को फोल्ड करोगे तो जस्ट हाफ हो जाएगा, इट्स अ कॉमन थिंग। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। देखिए थ्रेड को मैंने इक्वली फोल्ड कर लिया। ओ, स्किप नहीं करना है आपको, पहले ये वीडियो देखना है और देखकर ये ज़रूर सीखना है कि ये बोहेमियन वॉल डेकोर आइटम कैसे बनता है और आपके घर को कैसे सजाता है। देखिए ये लूप बनाकर आपको ऊपर से हूप के इस थ्रेड को नीचे ले जाना है और इस लूप में से बाकी के थ्रेड को नीचे साइड से निकाल के टाइटली उसको फिक्स कर देना है। बहुत ही सिंपल सा नॉट लगता है ये, जिसे मैक्रामे थ्रेड में यूज़ किया जाता है। ये देखिए सिंपल सा एक नॉट लग गया। इस तरीके से आपको चारों नॉट लगा लेने हैं और इस तरीके से इन थ्रेड्स को नीचे के साइड में ऐसे स्प्रेड करके नीचे भी नॉट्स लगानी है। तो आगे वीडियो देखते जाएंगे आप तो प्रोसीजर आपको समझ में आता जाएगा। फ्रेंड्स बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, प्लीज़ मेरी फैमिली के मेंबर बनिए, मेरे यूट्यूब चैनल के मेंबर बनिए और मेरी इस फैमिली को और बड़ा बनाते जाइए। आप लोगों का प्यार इसी तरीके से मुझे मिलता रहा तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। फ्रेंड्स फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के बाद आपको ये आइडिया अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक तो करना बनता है क्योंकि मैंने इसे बनाने में बहुत मेहनत की है। ये देखिए फ्रेंड्स, नीचे के साइड पे आप इस थ्रेड को थोड़ा सा साइड में ले जाकर एक नॉट, सिंपल नॉट लगा के इसको फिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स इस वॉल डेकोर आइटम में जो भी प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं ये सारे की मैंने ऑनलाइन शॉपिंग हॉल भी शेयर की है। आपको अगर ऑनलाइन शॉपिंग हॉल इनकी देखनी है मेरी वीडियोस में तो वो लिंक भी मैं इसके साथ शेयर कर दूंगी। साथ में प्रोडक्ट के भी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी जो कि मैंने अमेजोन से परचेज़ की है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा उसको गैप करके दोनों थ्रेड को नीचे की तरफ फिक्स कर दिया। अब इसी तरीके से फ्रेंड्स देखिए दूसरे थ्रेड को भी मैंने ऊपर से एक लूप बनाते हुए नीचे लाकर थोड़े थोड़े गैप पर फिक्स कर दिया है। जो बीच में स्क्रू का पोर्शन है उसकी एक तरफ दो थ्रेड को मैंने फिक्स किया और दूसरी तरफ दो थ्रेड को, ताकि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड लगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिंपल सा नॉट लगाना है आपको। नॉट लगाने के लिए थ्रेड को इक्वली डिवाइड करेंगे, एक लूप बनाकर हुक के ऊपर से लेके जाएंगे, नीचे जैसे ही वो लूप आता है बाकी के थ्रेड को उसके अंदर से, उस लूप के अंदर से निकाल के आपको खींच देना है ताकि वो वहाँ पे स्ट्रॉन्गली फिक्स हो जाए। ये देखिए अभी मैंने यहाँ पे नीचे सिंपल नॉट लगाया है ताकि ये थ्रेड प्रॉपरली फिक्स हो जाए। ये आपको इस तरीके से 4 नॉट लगाने हैं यहाँ पर। नीचे पे थ्रेड्स को फैलाकर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे इनको इस तरीके से एक जाल की तरीके से फैलाकर आपको नीचे फिक्स कर देने हैं।
देखिए फ्रेंड्स, ये चारों नॉट ऊपर फिक्स हो चुके हैं। अब हम इनके नीचे जो प्रॉपर नॉट्स बनते हैं वो बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको नीचे से थ्रेड को लाकर ऊपर की तरफ घुमाना है, फिर उस थ्रेड के लेफ्ट साइड में बाकी के थ्रेड को ले जाना है और यहाँ पे एक लूप बनाते हुए उसके अंदर से बाकी के थ्रेड को निकाल के नीचे खींच लेना है। ये बहुत ही सिंपल सा आसान सा तरीका है। ये देखिए, इस तरीके से ये यहाँ पर नॉट लग जाएगा जो कि ईजिली ओपन नहीं होता है जब तक कि आप इसे खुद खोलते नहीं हैं। ये देखिए, पहले मैंने साइड साइड के दो थ्रेड को इक्वल डिस्टेंस पे नॉट लगा लिया है ताकि अंदर के जो भी थ्रेड हैं उनको इक्वली मैं डिवाइड करके नॉट लगा सकूं। चलिए मैं एक बार आपको फिर से आसानी से दिखाती हूँ कि किस तरीके से इस पे आपको, ये देखिए, नीचे से ये लेकर आए हैं थ्रेड को और अब इसको जब ये नीचे से घूम रहा है तो थ्रेड को जब आप दोबारा से ऊपर ले जाते हो तो ऊपर वाले टाइट थ्रेड के बगल से उसको आपको घुमाकर निकालना है और इस तरीके से अंदर से लूप बनाकर बाकी के थ्रेड को आगे की तरफ खींच लेना है। ये हो गया सिंपल सा नॉट। फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल पे बने रहिए बिकॉज़ ये जो वॉल डेकोर आइटम है इसे मैं अपने डाइनिंग एरिया को डेकोर करने में यूज़ करने वाली हूँ। साथ में इसकी आपको एक और DIY देखने को मिलेगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। उस DIY के साथ ही मैं आपको अपने डाइनिंग एरिया का मेकओवर दिखाऊंगी। मैं इस DIY को और जो आने वाला DIY है दोनों को क्लब नहीं कर सकती थी, वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने इसको सेपरेटली आपके लिए वीडियो को बना दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो ये पूरे नॉट इस तरीके से फैला के मैंने लगा दिए। अब जो नीचे के बाकी के थ्रेड हैं इनको मैंने मेज़र करके 48 इंच का थ्रेड इक्वली काट लिया है और उस 48 इंच के थ्रेड को आपको अगेन इक्वली फोल्ड कर लेना है और जैसे हमने ऊपर नॉट लगाया था उसी तरीके से नीचे नॉट इन सारे गैप्स के अंदर लगाते हुए इन गैप्स को भर लेना है। क्योंकि इसमें थ्रेड जो है काफ़ी लंबाई की चाहिए बिकॉज ये जो वॉल डेकोर आइटम है इसकी लेंथ अच्छी खासी वॉल पर दिखने वाली है। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने ऊपर नॉट लगाया था, ये देखिए इस रस्सी को हमने इक्वली फोल्ड कर लिया है और एक लूप बनाते हुए इसको फिर से ऊपर से नीचे ले आएंगे। इस लूप में से बाकी के थ्रेड को अंदर डाल के बाहर की तरफ खींच लेंगे। इस तरीके के नॉट हम जनरली अपने घर में किसी भी चीज को बांधने वगैरह में लगाते हैं। ये देखिए, बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। और अब जो दो रस्सियों के बीच का गैप है इन नॉट से उसको फिल कर लेना है, जो कि हर गैप में आपको चार नॉट लगाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से टोटल आपको 28 पीसेज ऑफ रोप लेने हैं जो कि 48 इंच के होंगे, 48 इंच के। इस तरीके से देखिए पूरा फिल होता चला जाएगा जब आप इसमें नॉट लगाएंगे। ये फिल होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा फ्रेंड्स। लास्ट में आपको इसके नीचे की जो एजेस हैं इसको अपने अकॉर्डिंग आप चाहें तो बिल्कुल ब्लंट इसके एजेस को कट करेंगे। मैं इसे वी शेप में कट करने वाली हूँ। चलिए दूसरा हुक बनाने का आपको आइडिया बताती हूँ। इसमें आपको लगेंगे दो हुक, 30 पीसेज ऑफ थ्रेड लेंगे आप। ये मेरे पास स्टील का एक हुक था, इसको मैंने यूज किया। आप चाहें तो इसमें वुडन हुक भी यूज कर सकते हैं जिसकी साइज आप 6 इंच से लेके 8 इंच तक यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगेन इसमें आपको
ऐसे ही करना है, बट इसमें आपको हुप के एक नीचे के हिस्से की तरफ ये नॉट्स लगाने हैं। देखिए सिंपल सा नॉट्स मैं लगाते जा रही हूँ। इक्वली फोल्ड करना है रोप को, ऊपर की तरफ से ले जाके हुप बनाना है और बाकी के रस्सी को उसमें से खींच लेना है। इस तरीके से टोटल जो 30 पीसेज ऑफ रोप हैं इनके सारे के हुप बना लेने हैं आपको। फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बिकॉज इस तरीके के इंटरेस्टिंग DIY आपको मिलते रहेंगे। मैं बहुत ही रेगुलर DIY लेकर नहीं आती हूँ, बिकॉज वो आपको ज़्यादातर YouTube पे मिल जाते हैं। मैं कुछ यूनिक, कुछ हटके DIY लेकर आती हूँ, और जब आप इसका एंड में रिजल्ट देखोगे ना तो आपका मन खुश हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इनके सबके मैं नॉट्स लगाने के बाद इस तरीके से इसकी स्ट्रेंथ होती जाएगी। हाफ सर्कल से कम तक का आपको ये हुप पर इसको कवर कर देना है नॉट्स लगा के। आप ये जो मैंने स्टील का हुप बीच में यूज किया है सर्कल, आप चाहे तो इसकी जगह वुडन यूज कर सकते हैं, 6 इंच का आप ले सकते हैं। ये एक्चुअली मेरे पास एक लीड था किसी बर्तन का, वो टूट के गिर गया कांच का, उसकी साइड की ये रिंग थी मेरे पास, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया और ये बहुत ही क्लेवर ट्रिक मैंने लगाया इसके साथ। अब देखिए इसके स्टील का जो फ्रेम है उसको कवर करने के लिए मैं ये पतले स्ट्रिंग का यूज़ कर रही हूँ, जो कि 0.5 mm का स्ट्रिंग है। ये भी ट्विस्टेड मैक्रामे थ्रेड है, इसकी भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी। इसको ऑल ओवर सर्किल के ऊपर मैं लपेटती जाऊँगी ताकि ये एक खूबसूरत सा लुक भी आ जाए और मेरा पर्पस भी सॉल्व हो जाए। जब आप इस स्टील के हुक की जगह अगर आप यूज करते हो वुडन हुक, तो आपको ये स्टेप को अवॉइड करना है, जो कि मैं थ्रेड को लपेटने का स्टेप दिखा रही हूँ उसे आपको जनरली अवॉइड करना है, और सिंपली आपको ऊपर की तरफ थ्रेड की हेल्प से उसे फिक्स कर देना होगा। फ्रेंड्स इस तरीके से इसको इसके ऊपर लपेट के अब यहाँ पर इसको ऊपर की तरफ हुक में फिक्स करके एक साथ दोनों हुक की तरफ आपको थ्रेड को चलाना है। जब यहाँ पे आपको गैप दिखने लगे तो फिर आपको पतले वाले हुक की तरफ से धागे को चलाना शुरू कर देना है, ताकि वहाँ से ये स्टील वाले हुक पर थ्रेड लिपटना शुरू हो जाए। इस तरीके से मेरा हुप ऊपर की तरफ फिक्स भी हो गया और मुझे कोई भी ग्लू का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा और ये एक खूबसूरत सा लुक भी बन के आ गया। ये है ना बहुत ही इजी DIY। आप इसका फाइनल लुक जरूर देखिएगा। वीडियो स्किप करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, और फाइनल लुक देखने के बाद आप बिना लाइक किए तो इस वीडियो को स्किप कर ही नहीं पाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा हुक तैयार करने के बाद अगर आपके पास वुडन बीड्स नहीं हैं, जो मोतियां कहते हैं वुडन, आपके पास सिंपल मोतियां हैं आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आपको मैं इजी तरीका बताती हूँ। इसी थ्रेड को इक्वली आपको 10-10 इंच पे कट कर लेना है, फिर उसके बाद आपको वही सिंपल नॉट लगाकर 3 नॉट्स आपको बनाने और उसको नीचे की तरफ लाके नॉट बनाकर फिक्स कर देना है। ये हो जाएगा आसान तरीका अगर आपके पास वुडन बीड्स नहीं है। अगर वुडन बीड्स हैं तो आपको इसके फाइनल लुक में वो ओरिजिनल लुक देखने को मिलेगा जो मैंने इसको देने की कोशिश की है।
जनरली हम अपने घर में ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं रखते हैं, जैसे वुडन बीड्स हो गया या कोई प्लास्टिक की मोती हो गई। ये देखिए, इस तरीके से नॉट लगाकर ये आपको एक जाल इन दोनों के बीच में फिक्स कर देना है। इसके भी एजेस को इवन करने के लिए आप सीजर का यूज़ करेंगे और वी शेप में इसको कट कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसको कट करने का तरीका देखते हैं। इस तरीके से मैंने पूरे थ्रेड को फैला लिया है और बहुत ही आसानी से आप इसको वी शेप में कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके साथ आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको DIY मिलेगी और ओवरऑल मेरे डाइनिंग एरिया का मेकओवर मिलने वाला है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने हैंग करके कट करना शुरू किया और एक को मैंने फ्लैट सरफेस पे रखकर कट करना शुरू किया। ये प्रोसीजर ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें हुक लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही किसी नेल पर हैंग कर सकते हैं। ये मैंने थ्रेड के एक स्ट्रिंग को ले लिया, जैसे कि उसमें 2-ply ट्विस्टेड था, उसमें से एक ट्विस्ट मैंने निकाल के यहाँ पे उसको ग्लू गन से फिक्स करके इसका हुक बना लिया है, ताकि इसको मैं किसी भी कील पर आसानी से टांग सकूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो करें, अदरवाइज आपका हुक वैसे भी किसी कील पर टंग सकता है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने दोनों के हुक बना लिए हैं। चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी को इस तरीके के DIY की ज़रूरत है तो उसे मेरा चैनल शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है फाइनल लुक। ये देखिए, बीच में बीड्स लगाने का जो ऑप्शन था वो ये है। ये मैंने टेसल के साथ इसमें बीड्स को ऐड किया है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपको मेरा ये DIY कैसा लगा, और आप इसको अपने घर में ट्राई करने वाले हो या नहीं, आपको किस तरीके के और वीडियोस चाहिए, कैसी आपकी डिमांड है, वो सारी चीज़ें मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।